माननीय सांसद जी 20 सालों सांसद है यहाँ पे, 20 साल का है, 30 सालों से जिला पंचायत भी रहे हैं। यहाँ पे सतना में ऐसा कोई विकास नहीं कि आम जनता के लाने कोई विकास हुआ हो, ऐसा कोई विकास ही नहीं है। बेरोजगारी बताओ, बेरोजगारी कितनी है? बेरोजगारी तो पूरे भारत में है। नहीं तो आम जनता के लिए कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन केंद्र सरकार कहती है कि बहुत सी योजनाएं चला है, राज्य सरकार कहती है बहुत सी योजनाएं चल रही हैं गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए, उसका कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? सर आम योजना तो आम जनता को मिल ही नहीं पा रही है, सब पैसे वाले ले रहे हैं आम योजना और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, कोई योजना नहीं है। और हम सतना में, सतना की ही बात करेंगे, सतना में ऐसा कोई विकास नहीं है कुछ हो जाए। एक मेडिकल कॉलेज बना वो भी आज तक चालू ही नहीं हुआ, ले देख के फ्लाई ओवर 10 सालों में तैयार हुआ वो भी कोई मतलब का नहीं है, वहां से लेके यहाँ तक कोई मतलब का नहीं। ऐसा कोई विकास नहीं कि आम जनता के लाने आज तक, आज 20 सालों में ना कोई यूनिवर्सिटी आई ना कुछ मिला किसी को, ऐसा कोई उद्योग भी नहीं लगा यहाँ पे। क्या लगता है क्या होने वाला है इस बार? कई लोग बदलाव की बात कर रहे हैं सर, बदलाव है इस बार, बदलाव, बदलाव से उम्मीद है कि बदलाव के बाद स्थिति शायद बेहतर हो जाए। अब देखिए यहाँ भी माननीय विधायक जी 2 बार के विधायक है, दूसरी बार विधायक है, जनता ने उनको चुना है तो अपने क्षेत्र में वो काम कर ही रहे हैं। अब तो बड़ा क्षेत्र है, लोकसभा लड़ रहे हैं, जनता उसी तरह उनको देखते चाहे कि आए सांसद बने उसी तरह फिर काम करे। अभी सतना विधानसभा में पूरे लोकसभा देखे में क्या होना चाहिए सतना में सबसे पहले, क्योंकि आप लोग कह रहे हैं लगातार सांसद हैं गणेश सिंह, 5वीं बार चुनावी मैदान में, तो क्या होना चाहिए, कहां पीछे छूट रहा है? इतने प्लांट है यहाँ के, लोकल जो लोग हैं उनको ना नौकरी मिल रही ना कुछ मिल रही है। हमारा ये कहना है सर सतना का विकास हो, आम जनता का विकास हो, ऐसी कोई योजना जिसमें आम जनता को मिले, आम जनता, बाहर के लोग आके यहाँ उद्योग बड़े बड़े हैं वहां बाहर के लोग काम कर रहे हैं, लोकल यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा, बेरोजगार है, कोई साधन नहीं है जीविका के लाने, कोई साधन नहीं है। ये जो बड़ा दावा होता है कि घर दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया कि मिल रहा है लेकिन उसमें बहुत सी कहानी है, उसको सर घर की बात है, घर आज 60% पैसों वालों के नाम है आवास, वो किराए पे चल रहे हैं, वो खरीद के वो किराए पे चला रहे हैं, ना उसकी ना सर उसकी आज तक नगर निगम ने जांच की किसके नाम मकान है, कौन वहां पे रह रहा है। जो व्यक्ति गरीब जिनको आवास चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा, उनको नहीं मिल पा रहा। बड़ा है, मैं अम्मा इधर आइए, यहाँ आइए, क्या नाम है आपका? मारा गोल्ही नाम है, मेरे पति का दद्दी नाम रहा है, जूर तक खत्म हो गया है दशरा का, और लोजन मिलता है जान दिन करने का तक कुछ नहीं मिला, उसका जन्म प्रमाण पत्र सब कुछ दिया, आधार कार्ड सब दिया, नगम निगम कहते इसको पैसा ना मिलेगा, तो उसको मिलेगा जो बैठे हैं गद्दी में वो खाएगा, गरीब को नहीं मिलेगा। तो आप लोग सब जगह गए, सब कागज दिया, कहीं कुछ नहीं, नहीं मिला नहीं मिल रहा। तो एक बात बताइए, ये जो घर वर मिला है आपको, घर और नहीं मिला यार, कर्जा काट के दिन करनी करे, अब भीख मांगते हैं तो उसको कर्ज पटाएंगे, बताए गरीब का कुछ। तो कहाँ गए थे, कौन से ऑफिस में गए थे ये सब लेके? अरे नगम निगम, हाँ बैंक में 800 रुपया जमा रहा मेरे आदमी को, तो दिन के लिख दिए नगम निगम वाले के जला लिए, तो नहीं देता है बैंक वाले, नहीं देता है, कहते कि नहीं आए हैं, सब हम दे दिए जन्म प्रमाण पत्र, तुम्हारे आधार कार्ड, कॉपी ऑफिस सब मगाए, कोटा केयर मगाए, सब दिए, वो नहीं दिए, नहीं दिए, नहीं। कोशिश करेंगे कि आपकी जो बात है ना वो पहुंचा पाए, और भी लोग हैं, आगे आइए, अरे इधर आइए ना, क्या नाम आपका? साहू जी क्या है परेशानी बताइए जरा, यहाँ पर सब सही है, दिक्कतें हैं, विकास हुआ है, काम हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ? विकास हो गया, ठीक है, चल रहा है, मान लीजिए सर परेशानी तो सब है, बेरोजगारी है ही है, बेरोजगारी है, लोग बाग यार छोड़ के किनारे ठेला लगाते हैं। लेकिन जब वोट डालने जाएंगे तो बेरोजगारी सोचकर वोट डालेंगे कि फिर वही जात पात पे वोट डालना? तो डालना है सर, वोट तो डालना है, हम तो वोटर है, हमको कहीं ना कहीं तो डालना है, बाकी तो बेरोजगारी विकास सोचकर डालेंगे कि फिर जात पात देख के, क्योंकि टिकट भी वैसे ही बटता है। विकास के प्रति वोट डालना चाहिए, विकास के प्रति हम वोट डालते हैं सर, मगर परेशानी यही है कि जो इतनी बेरोजगारी है कि आदमी परेशान है, कोई ठेला लगाया, कोई सब्जी लगाया, कोई कुछ व्यापार रोड में कर रहा है,
शासन नगर निगम टीम उठा देती है, भगा देती है, लड़का बेचारा बच्चे पाल रहा है वो भी सब खराब हो जाता है, पैसा लगा के कर्जा काट के कहीं से ले आया। ये ऑफिस जाओ, वो ऑफिस जाओ, ये ऑफिस जाओ, वो ऑफिस जाओ, नगर निगम की टीम आई उठा के फेंक दी एक मिनट में, ठेला वोला उल्टा के चली गई, बोल रहे कुछ नहीं, वहाँ गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।